वेलकम टू इमेजिनेशन। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। हम लोग जाने वाले इमेजी का आज का सफर होने वाले बहुत ही सुहाना, क्योंकि हम लोग 10 जन है कॉलेज के बड़ी। सो आज का सफर बहुत ही मस्त होने वाला है। चलो अभी मेरे दोस्त लोग को मिलाता हूँ मैं। हेलो गाइस। अगर आप इमेजी का जाना चाहते हो बाय ट्रेन, सो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज खोपोली। मुंबई से खोपोली इट टेक्स अराउंड 2 hours 20 minutes। खोपोली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद यहाँ से आपको रिक्शा या बस मिल जाएगा। देर इज नो ओला एंड उबर, क्योंकि यहाँ पे बैंक ही है। जैसे आप खोपोली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, लेफ्ट साइड में स्टेशन के रिक्शा स्टैंड है। भैया का नाम मत बता, बस 70 rupees पर सीट है बता। काका कितनी मिनट लगने रे? 20 मिनट पर सीट रिक्शा का है। 70 rupees लेने का है, लेकिन भैया का नाम नहीं लेने का है कि 70 rupees सीट है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो ना। हम लोग आ गए इमेजिका के सामने। अभी हम लोग है हाईवे पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे। अंदर भी कैंटीन अवेलेबल है, पर थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, इसलिए हम लोग ने सोचा बाहर ही थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। थोड़ा बजट फ्रेंडली ट्रिप होना चाहिए ना, मेरे जैसा विचार सब करना चाहिए। अरे हाँ, प्रैंक का सीन बताए नहीं ना। हम लोग ने सुबह 6:50 का ट्रेन पकड़ने का सोचा, 6:41 फ्रॉम डोंबिवली, और बाकी के जन आधे जन थाने से चढ़े और आधे जन घाटकोपर से। हम लोग का गैंग पूरा स्प्लिट था, और मैंने सोचा एक प्रैंक किया जाए सब लोग के साथ छोटा सा, पर ये लोग को पता चल गया कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। मैं पहले ही बदलापुर ट्रेन से आगे चला गया था, और सब लोग को बोला मेरा ट्रेन खोपोली सॉरी कर्जत वाला ट्रेन छूट गया। थोड़े जन पैनिक में आ गए, अरे टिकट वंश के पास अभी कैसा होगा। इस हरामी ने बोल दिया है प्रैंक कर रहा है। क्या तू भी थोड़ा पैनिक क्रिएट करना चाहिए ना ग्रुप में। इमेजिका के जस्ट सामने है जोशी वड़े वाले, यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। यहाँ पे राइट्स का सब टेस्टिंग चालू हो चुका है, और यहाँ पे सबका रिएक्शन देखो। मुझे रोलर कोस्टर का टेस्टिंग, ये रोलर कोस्टर चालू हुआ। तो गाइस ऑल आर रेडी सब में बैठने के लिए। नो वन इज गोइंग टू से नो, यू हैव टू सीट। नहीं मिलने वाले वो अभी मेरा टोपी हो गया। हियर वी आर। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और वेलकम टू इमेजिका। अरे साइड बिजनेस श्री कब से स्टार्ट किया? आपके शक्ल के लिए 50 रुपए से 2 रुपए कर दूंगा बस। बड़ी इंटरेस्टिंग इमेजिका जगह है, सो लेट्स सी अंदर जाके समझे कितना इंटरेस्टिंग है। तो आप सिक्योरिटी चेक कर लोगे, वहाँ पे सामने टिकट काउंटर मिलेगा। हम लोग को 999 प्लस टैक्सेस, मतलब 1200 में टिकट गिरा। उसके ऊपर हम लोग को फ्री पासेस अपग्रेड करके मिलने वाले, मीन्स कौन सा पास? एक्सप्रेस पास मिलने वाला हम लोग को अपग्रेड करके। थैंक यू। हम लोग का यहाँ पे डांस देखकर हो चुका है, और राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाइट्रो, जो कि फर्स्ट राइड होने वाला है हम लोग का। ये देख के तो बेकार फट रही है मेरी, ऐसे दिल धक 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 हो रहा है, डर के आगे जीत है। ऑल आर एक्साइटेड, दिल में कैसा भक धक धक हो रहा है बताओ। अपने को फर्स्ट सीट मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे हिमाक्षी यू आर स्ट्रॉन्गर।
एक नंबर मजा है गाइस, तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा था? खतरनाक वापस माहौल बना दिया हम लोग के पास एक्सप्रेस पास है, तो हम लोग सोच रहे वापस आके थोड़े देर के बाद वापस देखने का नाइट्रो में। एक सेकंड हिमाक्षी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी गुड, आई एंजॉयड इट। ये बंदे रो रहे थे स्टार्टिंग में। एंड दिशा, व्हाट अबाउट यू? सो सेकंड राइड इज डेयर टू ड्रॉप D2। पहले राइड में थोड़ा पावर मिल गया हम लोग को, अभी सेकंड राइड इज गोइंग टू बी ए फन। फटे तो फटे बट नवा भी ना घटे। लेट्स गो। श्री आखिरी शब्द, आखिरी शब्द पीस आउट। नाम पीछे से और किसी के? मेरे भी चलो। अरे ऊपर जा रहा नहीं है सर, आई डस्ट कीपर हेड बैक एंड होल्ड द रेसिस टाइटली। हेलो, इधर का भी एक्सपीरियंस हो गया हम लोग का लेके। अभी हम लोग जा रहे हैं स्क्रीमिंग मशीन। स्क्रीमिंग मशीन ना? यस, स्क्रीम मशीन। स्क्रीम, यहाँ पे बहुत स्क्रीम करने वाले हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर लग रहा है मेरे को। तो पहले नाइट्रो डेंजर लगा, पर नाइट्रो में बैठने के बाद डर थोड़ा कम हो गया। सो ये कुछ नहीं है, बाहर हाथ के खेल हम लोग के लिए। ये नाइट्रो में बैठा मतलब सब राइड्स में आप बैठ सकते हैं। अरे अभी कुछ नहीं लग रहा, इतना तक ठीक रहा। वो जाता रे ब्रो। भाई वो देखो 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 अच्छा वो निकल इधर भी रहो, गोल गोल घूम रहे हैं अभी। वो ऐसे भी इस वीडियो में क्या ही दिखेंगे, छोटे छोटे हो। जश्ना, अभी हम लोग स्क्रीन मशीन में बैठ के आए, इतना फटे मजा है। इसमें दिशा और तेजस नहीं बैठे, क्योंकि इन लोग की फट रही थी। हम लोग बैठ के आए, अभी भी कन्विंस कर रहे हैं तेजस को, तू आ रहे चल। पर लेट मी से यू, एक नंबर एक्सपीरियंस है यहाँ पे। वापस जा रहे हैं। कैसा लगा? सेक्सी। कितनी फट रही थी फिर स्टार्टिंग में? क्यों स्टार्टिंग में नहीं फटी? ऊपर का थोड़ा सा बड़ा, हम लोग बाद में कुछ नहीं पड़ा। हम लोग जो गए इसका रिएक्शन देखना चाहिए था, पूरा टाइम डेड ऐसे बस बैठा ऐसे। इसका तो छोड़, ये बंदी तो रो रही थी। ये दिशा पड़ा है ऊपर। वंस मोर, स्टार्टिंग में तो डर रहे थे, अभी ये लोग बोल रहे वंस मोर वापस जाते हैं। देख सी थोड़ा अभी आराम करते, रेस्ट करते। बहुत ही हम लोग का ऊपर नीचे हो गया। इमेजी का है तो ये लोग बोलते हैं सभी राइड में बैठने का है, ऐसा एक भी राइड छोड़ने का नहीं। पर ये लोग बच्चे लोग के राइड में भी घुस रहे हैं। गाइस ये लोग का लॉल हो गया। नहीं नहीं मेरा नहीं हुआ, एकदम चाव से गए थे बैठने के लिए राइड में। वो बच्चे लोग का राइड आप देख सकते हो, या यू कैन सी। सो इसे कहते हैं ओवर स्मार्ट बनना, जो नहीं बनना चाहिए राइड में। गाइस ये भी आई थी, बोल रहे हम लोग आए थे। मैं करूंगी सबको की। अभी हम लोग जा रहे हैं स्प्लैश होए, पानी से मारने एक दूसरे को मार। तू सोनल को मार, सोनल तेरे को मारेगी। जुब 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 उनको पांच रन मचा रही। इतने का पानी ताकत नहीं लगा रहे तू। टारगेट टारगेट दिशा, कम ऑन। अबे इधर से अटैक हो रहा है हम लोग के ऊपर। Don't shoot.
लोग जा रहे हैं अपने पानी में भीगने को, चलेगा भीगने का एंजॉयमेंट कितना होता है, भीगने के लिए बहुत रेडी है, बहुत धक्का दे रहा है। हेमक से आपके साथ क्या सीन हो गया है, आपका कैब भीग गया? वंश कैसा लगा आपको भीग के? ठंड वाट के आपका गर्मी मजा से भीग जाते वेगा सारा अनुभव है। ब्रो अभी कौन से राइड में लेके जा रहे थे हम लोग? अभी हम लोग सलीम घर जा रहे हैं। सलीम के घर? हाँ सलीम के घर। क्या है उधर? उधर सलीम और अनारकली है। हाँ अनारकली मिलने वाले हम लोग। हाँ तो सलीम क्या करेगा? सलीम ढूंढे का अनारकली को। अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे अनारकली के साथ? देखेंगे वो क्या करते हैं। लेट्स सी गाइस अनारकली क्या करती है। सस्पेंस है, हम लोग भी पता नहीं, वहाँ पे जाके समझेगा। आ जाएगा अभी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आ जाएगा सलीम घर। सलीम घर बाय 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 चाचा बाय। सभी हम लोग घर जाके आए, टीम के घर जाके आए, इतना मजा नहीं आया। जाके देखे तो पता चला हमें कि अनारकली तो किसी और की गली हो गई थी, पर इतना खास मजा नहीं आया। तो अभी जा रहे हम लोग मिस्टर इंडिया देखने, चल रहे 1 बजे का शो है। यहाँ पे सब लोग आ गए और सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे ये शो सेम टू सेम हम लोग अभी थर्ड बार देख रहे हैं। हाफ एन आवर नाच के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑन द वे, जो अभी देखते हैं बाजू में क्या दिखता है। यहाँ पे मोशन एक्स, किधर जाने का मोशन एक्स? किधर बाद में राजेश्वर जाते डायनासोर का सवारी का। दो ऑप्शन है हम लोग के पास, मोशन एक्स और एक डीप स्पेस। तो हम लोग ने प्लान किया डीप स्पेस जाते, तब से 2-3 बार थिएटर का स्क्रीन देख के आप घूम रहे। सो अभी हम लोग ने सोचा डीप स्पेस जाते रोलर कोस्टर है। एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम था। ऑसम ब्रो स्पेस, हम लोग को पता भी नहीं था अंदर क्या होने वाला है। रोलर कोस्टर राइड था, स्टार्टिंग में 1-2-3 ऐसे काउंट डाउन हुआ, थोड़ा थोड़ा करके स्पीड लिया, बाद में सुपर फुल फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप। अभी हम लोग जा रहे हैं राइनोसोरस। ये है मेगा न्यूरा, इसको बच्चे मक्खी मत समझना, जरा मार के तो देखो हार्ट टूट जाएगा। इसका भेजा मुझसे भी छोटा है। सब लोग की पहली बार होगा
सब लोग भीग गए। देखो सब लोग का चेहरा निकल गया। नहीं आई थी। सच्ची बताओ कौन कौन नाके नहीं आया था सुबह? सोनल। अरे मैं चली है। भाई कौन पाले नाके नहीं आया भाई? हिमाक्षी क्या लिया? उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्या मेरा है? हाँ। बोलती है करके। हमारा व्लॉगर अभी मजे कर रहा है व्लॉग बनाना छोड़ के। Let's go guys. ये चल नॉर्मल में चलते। अबे बंद हो, अबे बंद हो। जो जो राइड्स हम लोग ने कवर किया वो दो बार बैठे सभी राइड्स में और एक्सप्रेस पास होने का फायदा है वो ही है। सो इमेजिका का एक्सपीरियंस कुछ कुछ राइड्स में बहुत ही अच्छा जा रहा है और कुछ कुछ राइड्स में ओके जा रहा है। फॉर एग्जांपल आई इंडिया तो अभी हम लोग जाने का सोच रहे हैं मिस्टर इंडिया। ये आई फॉर इंडिया इट्स नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन। वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीथिंग। हम लोग को एक्चुअल मिस्टर इंडिया जाना था पर हम लोग गलती से आई इंडिया चले गए। यहाँ पे बहुत सारे राइड्स 5 बजे बंद होते हैं और बड़े बड़े जो राइड्स है नाइट्रो गोल्ड रश जो कि हम लोग अभी जा रहे हैं छोटा भीम वगैरह छोटे भीम तो छोटे बच्चे लग किले हम लोग जो राइड्स में जा रहे हैं वो 6 बजे बंद होते हैं। सो अभी हम लोग के पास और 40 मिनट है। हर राइड में 10 मिनट का आराम से जा रहे हैं। हम लोग 3-4 राइड और बैठ सकते हैं। लास्ट में वापस नाइट्रो बैठने का प्लान है। कैसा लगा हिमाक्षी? इधर आ इधर आ। श्री आपको नैन सुख की प्राप्ति हुई क्या? मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है कि शाम आपके नैन को सुख मिला सुख प्राप्ति मिली इमेजी का आना आपका सफल हुआ। सफल तो हुआ है जो सफल होना था वो तो नहीं हुआ पर सफल तो बहुत कुछ हुआ है दूसरा टाइप का सफल हुआ है। आपके डर सारे भाग गए। डर का नाम मतलब अनएक्सपेक्टेड राइड में मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ए पिक्चर पिक्चर दोनों का सेम ही है। नाइस। फिर मैं किसको कुछ तो कर रही थी। हाँ देख रही थी बातें। ये देख गाइस अभी हम बोट पे जा रहे हैं। नहीं बोट पे नहीं जा रहे D2 में जा रहे वापस। D2 में क्यों? अभी ये 6 बजे बंद होगा। भाई स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे स्नोफॉल। साल्टी तो बहुत है भाई। टेस्ट किया तूने? यहाँ पे स्नो फाइट हो रहा है। स्नो फाइट सस्ते बर्फ गिर रहे हैं। गाइस अभी हम लोग आए मुंबई से इमेजी का एक्सप्लोर करने के लिए। जो कि मैं पर्सनल यहाँ पे आया हूँ। इस बार हम लोग का प्लान एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे राइड सभी राइड बहुत ही मस्त है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। डबल ट्रिपल टाइम चेकिंग करते हैं हर राइड देखने से पहले। फूड के बारे में बोला जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और बाकी जो फूड का क्वांटिटी है वो मैच कर सकते हैं मतलब प्राइस के हिसाब से। बाकी वो राइड तो अच्छी है। मैं
आज का दिन बहुत ही मस्त गुजरा है और एक्सप्रेस के वजह से बहुत इजी हो गए सब राइड में घूमने के लिए। हम लोग का टाइम भी बच गया और सब राइड वंडरफुल। यहाँ पे जस्ट दो स्टाफ हम लोग से मिले, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा फीडबैक दो, तो हम लोग ने फीडबैक जेन्युइनली दे दिया। आपने भी सुना ही रहेगा और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, ऐसे सनसेट हो रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। आज का दिन बहुत ही मस्त था हम लोग का यहाँ पे, मेरे को तो मजा आए। मजा तो मुझे भी। फिर टिक टिक कैसा था रे? एक टिक बोला बे। एक टिक वो तो था ही। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर बैठे बाहर, राइट नाइट 7:30 और हम लोग की 8 बजे की ट्रेन है, सो वी आर रनिंग लेट। यहाँ पे मैंने गोप्रो का स्टिक लाया था पर यूज ही नहीं हो पाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं किया, सो बाहर ही लॉकर रूम में रखना पड़ा मेरे को। 50 रुपीज़ चार्जेस देके लाके भी कुछ मतलब नहीं, खाली वॉट 50 रुपीज़ चलेगा। तो